गंभीर चिंतन है कि मिट्टी के बर्तन का मतलब है जीवन को बेहतर बनाने का, वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने का, पारिवारिक लाइफ को बेहतरीन बनाने का एक साधन भरने का, प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान करने का, शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाने का, वैवाहिक जीवन को खुशनुमा अपनी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अनूठा संगम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी लाइफ में पूरी तरह से प्यार में आ रही समस्याओं का समाधान करती है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पर पूरी तरह से प्रामाणिकता के साथ, शास्त्रोक्त तरीके से, वेदोक्त तरीके से और पूरी की पूरी रिसर्च करके सल्यूशन किया जाता है। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। अभी तक यहाँ 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। अब इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाया जा रहा है। आपके अपने जीवन में, प्यार में, रिलेशनशिप में, शादीशुदा लाइफ में या शादी होने में या शादी चलने में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो उसका सीधा समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से उत्पोत किया जाता है। आज मैं कह रहा हूं आपको धोखे में बहुत दिनों तक रखा गया क्या? धोखे का कार्यकाल बहुत बड़ा था क्या? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ हमेशा धोखा किया है? क्या उन्होंने आपके जीवन को धोखे में रखा? क्या उन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है? क्या उन्होंने आपकी लाइफ में धोखे के अलावा और कुछ किया ही नहीं? क्या आज भी तुम्हें धोखा मिल रहा है? क्या रिश्ते में प्यार बचा ही नहीं? क्या ये प्यार दिखावा, छलावा या छल या सिर्फ धोखा ही था? अगर धोखे के अलावा कुछ मिला ही नहीं तो किया क्या जाए? हर बार फरेबी मिले, हर बार आडंबरी मिले, हर बार फरेब करने वाले, झूठ बोलने वाले, मक्कारी करने वाले, धोखा देने वाले और हर बार छल करने वाले, हर बार दिल से खेलने वाले लोग मिले और बहुत तकलीफ मिली है। अगर हां तो आज का दिन आपका है। मैं कह रहा हूं 4 लौंग 2 इलायचियां आपके जीवन में ये सारी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। अगर ऐसी अव्यवस्था आपके साथ है, अगर इस समस्या से आप पीड़ित हैं, अगर इस प्रकार की दिक्कतें आपकी अपने जीवन में भी हैं, तो इसका समाधान किया जा सकता है। ऐसा विश्व का कौन सा काम है जो गुरु कृपा से संभव नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा काम है जिस पर गुरु कृपा हो जाए वो संभावनाएं बना नहीं दी जाए? चाहा फल निर्जा फला फुकवा जाशक पिणी ही। वेद कहता है कि भाई फल वही है जो गुरु द्वारा प्रदान किया जाए। वेद कहता है फल मतलब उपलब्धता, फल मतलब जो तुम गेन करते हो, जो तुम प्राप्त करते हो उसकी बात हो रही है। भ्रम कहीं ना कहीं असत्य का दूसरा नाम है। अब एक बात समझने की कोशिश करिएगा, ये सत्य है कि ये सब चीजें ठीक की जा सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन धोखा है क्या? धोखा मिलता क्यों है और हम धोखा खाते क्यों हैं? धोखा इंसान हमेशा लोभ में खाता है। धोखे का जो जन्मजात दाता है वो है लोभ, क्योंकि लोभात पापस्य कारणम्। वेद कहता, मैं नहीं कह रहा, क्या कहता है? लोभात पापस्य कारणम्। इसकी पूरी की पूरी उपाख्यान, पूरी की पूरी चर्चा लंबे स्तर पर कर रहा हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस प्रकार के धोखे आपको मिले हैं तो सिर्फ और सिर्फ
लौंग और इलायची की कृपा से संभावनाओं को बेहतर किया जा सकता है। पूरा का पूरा विश्लेषण, एक छोटा सा वॉइस मैसेज लेंगे। वॉइस मैसेज प्लीज। मैं प्याशा भंडारी हूँ और मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ। कुछ दिनों पहले मैं गुरुजी के संस्था से जुड़ी थी। मेरे अपने अंदर बहुत सारा नेगेटिविटी था, बात बात पे रोती थी अपने प्यार की वजह से। और फिर उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारा चेंज आया, बहुत सारा रुतरु हुआ। मैं आज हंसती हूँ, हंस हंस के बोलती हूँ। और ये सारा बदलाव, सारा कुछ सिर्फ गुरुजी की वजह से आया है। भगवान तो किसी के लाइफ में ऐसे नहीं आ सकता। भगवान के रूप में गुरुजी ने मेरे लाइफ में कदम रखा। बस गुरुजी को मेरे दिल से ढेर सारा थैंक यू और उनके चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ईश्वर आपके जीवन की हर स्थितियों को बेहतर करे, आपके जीवन में खूब सारी खुशियां भरे, आपके जीवन को बहुत बेहतर करे और आपकी लाइफ में सब तरफ से सिर्फ प्रसन्नता लेकर के आए। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसा आशीर्वाद। धोखा, फरीब, छल, प्रपंच, इनका जन्म कहाँ होता है, क्यों मिलता है धोखा? अब देखो, समझने की बात करो, समझो। मैं कह रहा हूं कि लोभात पापस्य कारणम्, लोभ है पाप का गुरु, धोखे का जन्मदाता है ये। अब आप कहोगे मैंने तो कुछ ऐसा लोभ किया ही नहीं था। लोभ वही जो पता ना चले कि लोभ हुआ है। लोभ कैसा? लोभ उसे कहते हैं, मोह उसे कहते हैं जो पता ना चले। हर माता पिता अपने बच्चे पर मोह करता है, पता थोड़ी चलता है। उस मोहवश उसको बर्बाद कर देता है, पता थोड़ी चलता है। नीति कहती है 99.9% बच्चे उनके बिगड़ते हैं जिनके माँ बाप ने उनको बहुत लाड प्यार दिया होगा और सत्य मानो वैसा ही माहौल दिया होगा बिगड़ने वाला। माँ बाप में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब ऐसी कोई बात होती है तो रावण के पिताजी पर बात आ गई। भाई रावण के पिताजी तो बहुत बड़े संत थे, रावण राक्षस कैसे हो गया? तो बोले उसकी माता राक्षसी थी। माता और पिता में से कोई भी एक व्यक्ति। क्यों? क्योंकि जस जहि का घर भकरी तस तहि का फरिका, जस जहि का बाप महतारी तस तहि का लरिका। लड़का, बच्चा, संतान वैसा ही होगा जैसा आपके माँ बाप है। संतान क्योंकि भाई जो न्यूरो है, जो आपके अपने रीढ़ की हड्डी का एक लिक्विड है जिसको आप न्यूरो बोलते हो जो भी आप बोलते हैं, वो आपकी अपनी पैतृकता से मिल रही है ना। तो विषय भ्रमित मत हो जाना। मैं कह रहा हूं कि लोभ धोखे को जन्म देता है। अब एक छोटा सा उदाहरण, मैट्रिमोनी साइट्स पर कोई व्यक्ति आपको मिलता है या मिलती है और वो आपको ये कहते हैं कि पहले हम देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, उसके बाद घर वालों से बात करवाएंगे। अब ये बात लड़का भी कह सकता है और लड़की भी कह सकती है, और दोनों में से जिसने भी सामने वाले ने मान लिया, इस प्रभाव में आ गया, उनसे इन्फ्लुएंस हो गया, बस यहीं से लोभ शुरू हो गया। कुछ तुम्हें अच्छा लग गया है, उस अच्छे लगने के चक्कर में आप लोभ में आ गए कि ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, बस यहीं से गलत शुरू हो गया। कहीं पर कोई व्यक्ति आपसे मिलता है और बड़ी बड़ी बातें करता है और अपने काम सिद्ध करने की कोशिश करने लगता है, और बाकी सब बाद में, घर वालों से बाद में मिलेंगे, बातें बाद में करेंगे, लोगों से मिलन जुलन बाद में करेंगे, सब कुछ बाद में, पहले हम और आप मिल लेते हैं, बस यहीं से गलत का प्रारंभ होता है। धोखा हमेशा लोभ से प्रारंभ होता है। चलो सही है, कोई बात नहीं, किसी भी रूप में धोखा मिला हो, धोखे का कोई भी रूप क्यों ना हो, हमारे पास हजारों ऐसी बातें हैं, हजारों ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने देखा है नज़दीक से कि धोखा कैसे मिलता है। आप देखो, बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना। मैक्सिमम लोग अपने से कम उम्र के लोगों के प्रभाव में आ जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, उनका सबकॉन्शियस माइंड वैसा वर्क कर रहा होता है, काम कर रहा होता है।
वो सोचते नहीं ये बात, वो अगर पूछा जाएगा तो यही बोले, नहीं छोटे की वजह से तो ऐसा कोई बात नहीं थी। पर सत्य वही है। और एक बात, रिलेशनशिप में सत्य वही होता जो दिखाई नहीं पड़ता, सत्य वही होता जो मान्यता से विपरीत होता है। मैं फिलॉसफी की बात लंबी नहीं करूंगा, बहुत लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं, आज मैं कह रहा हूं कि इन सब चीजों से बचा जा सकता है, इन सब चीजों से व्यवस्थित हुआ जा सकता है, इन सब चीजों से सुरक्षित हुआ जा सकता है। मैं कह रहा हूं कि आपके अपने जीवन से ये सारी की सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं। सामग्री आप नोट कर चुके होंगे, आपके पास सामग्री सामने है। अब आपको करना क्या है, ये सामग्री आपको एक किसी भी बर्तन में रख करके उस बर्तन को बाएं हाथ में रखें। लॉन्ग इलायची सामग्री आपको पता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बगल में नोटेड है, आप चेक कर सकते हैं। आपको राइट हैंड ऊपर रखना है और दाहिना हाथ नीचे रखना है। और अब उस धोखेबाज प्यार को अपना बनाने की बात है। बहरों का शहर है, जरा चीख कर बोलो। आपको देखो ये बात समझनी तो होगी, प्रेम शाश्वत है, प्रेम पूजनीय है और प्रेम ही सब कुछ है। इतना सब होने के बावजूद भी उसी को पाना चाहते हो, तभी तुम उपाय बता रहे हैं। इसी को तो प्रेम कहते हैं। जिस प्रेम में कोई मापदंड नहीं होता, जिस प्रेम में हानि लाभ का कोई भाव नहीं होता, जिस प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई व्यापार नहीं होता, वही तो प्रेम है। चूंकि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। क्या कह रहा हूं, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम की अनंतता ही आपको संतत्व प्रदान करती है। श्रेष्ठ कोई कब हो सकता है, बेहतर कोई कब हो सकता है, नॉलेजवान कोई कब हो सकता है, कोई कोई बहुत मूल्यवान कब हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा बहुत बहुत स्पेशल कब हो सकता है। विश्व का इतिहास उठा करके देख लो, जिसने प्रेम में लात खाई होगी बस वही श्रेष्ठ हो सकता होगा। थोड़ा कुछ बातें मैं कह जाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं प्रेम का पुजारी हूँ, मुझे बस यही बात पता होती है, इसलिए कह रहा हूँ। अब वापस आते अपने उपाय की ओर, मैं कह रहा हूँ कि बस ये सामग्री अपने हाथ में रखें, लेफ्ट में सामग्री, राइट में उसके ऊपर हाथ। और अब एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र को बोल देना है केवल आपको। ओम श्रुम शाह जो है ना, स नहीं शाह, शाह के नीचे ऊ की मात्रा और एक रकार र, श्रुम ओम श्रुम। अब जब आप ये बोल रहे होंगे तो आपकी जिभ्या, आपके होंठ और आपकी नाभि वाइब्रेट करनी चाहिए। ये तीन स्थानों का संसर्ग है, ये तीन ही स्थान है जो प्रेम, वात्सल्य, ममता, इमोशनल कनेक्शन और हाँ रोमांस भी शुरुआत के सूत्रधार हैं। इन्हीं तीनों को वाइब्रेट होने दीजिए और इसे अभिमंत्रित कर लीजिए। अभिमंत्रित करने के बाद रात भर इसको अपने साथ रखिए, कैसे भी तकिए के नीचे या बगल में रख करके या अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में या अपने गद्दे के नीचे, जैसे भी रखें अपने साथ रखें रात भर। और उसके बाद इसे उठाकर किसी भी पेड़ के ऊपर आपको फेंकना है और फेंकते समय आवाज लगानी है अपनी इच्छाओं की। आप देखना, या तो काम होगा या तो पेड़ सूख जाएगा। करके देखिए, अनुभूत प्रयोग है, किसी भी दिन किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। इसे बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना, इसे खूब बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना, खूब मन से रहने की कोशिश करना। बहुत प्रयत्न करो कि तुम अच्छे रहो, गुरु आदेश की आवश्यकता होगी इसमें आपको। और हाँ, प्रसन्न रहो, खूब मुस्कुराओ, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, सुंदर बनो। सुंदर कितने, इतने कि आपको रात में सोते समय भी कोई फोटो खींच ले तो फोटोजेनिक खाना चाहिए, दीवार पर लगाने वाली फोटो आनी चाहिए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना किसी भी कंडीशन पर। पैसों का आदान प्रदान करना मतलब संबंधों को खत्म कर देना है।
रोना पड़े, रोना, परेशान होना, दुखी होना, निगेटिव सोचना, नकारात्मक चीजों को मन में रखना, हमेशा अपने पार्टनर की बुराई देखते रहना, ऐसा करने वाले लोगों के जीवन से प्यार आता हुआ भी दूर चला जाता है। ऐसा आप नहीं करेंगे। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।